आइए इस वीडियो में हम आपको स्कूली फुल सलवार की कटिंग बताएंगे किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लंबाई देख लेंगे, ये हमारी 20 इंच आ रही है और इसको हम 9 इंची निशान लगा लेंगे और इधर भी हम 9 इंची का निशान लगा लेंगे। फिर ये हमारी खींच लेंगे, ये हमारी हो जाएगी बेल्ट। ये सलवार की बेल्ट है, इसी प्रकार से आप बेल्ट काट सकते हैं। आप 24, 26, 28, 30 कितनी भी रखें, आप जोड़ लगा लीजिएगा। इस हिसाब से हम बेल्ट काट लेंगे। फिर इसको इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे हम इस हिसाब से। इसको हम मोड़ लेंगे। ये अब हमारे 4 पल्ले हो चुके हैं। इसको 9 इंच लमसम होना चाहिए। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारे 2 पल्ले हो चुके हैं, इसी हिसाब से कट कर लेंगे। अभी इसमें हम बताएंगे क्या काम करना है। सबसे पहले हम कली काट लेते हैं, इसको बराबर कर लेंगे इस हिसाब से। इसको ये हमारे 2 पल्ले हैं। पहले हम लंबाई नापेंगे इसकी। 35 इंच हमारी सलवार की लंबाई है। इसमें खाली लंबाई देखना पड़ता है। किनारी अपनी तरफ कर लेंगे हम। किनारी करने के बाद में हम सबसे पहले 6 इंची निकाल देंगे, जो हमने बेल्ट के लिए 9 इंची लिया था, और इस पे हम निशान लगा देंगे 34। 34 का निशान लगा देंगे क्योंकि 35 हमारी लंबाई है, क्योंकि 1 इंची कली कम होनी चाहिए। इधर भी हम इसी प्रकार से हम बाद में बताएंगे आपको। यहाँ पे हम 9 इंची, 9 साढ़े 8 आप रख सकते हैं यहाँ पे। फिर इसको हम क्रॉस कर लेंगे इस हिसाब से। इसमें प्लेटें ज़्यादा आएंगी पर घेर कम होगा। इस सलवार का एक यही फार्मूला काटने का है, क्योंकि कुछ लोग घेर ज़्यादा हो जाता है और प्लेटें ज़्यादा हो जाती, घेर भी ज़्यादा हो जाता है, इसी कारण हम आपको बता रहे हैं। इसमें आपको घेर प्लेट कम से नहीं 30-40 पड़ जाएंगी, पर घेर कम ही रहेगा। इसकी ऐसी पटियाला सलवार की कटिंग है, हम आपको बता भी रहे हैं। अब इसको हम इस हिसाब से बराबर कर लेंगे और इसको हम इसी पे रख लेंगे इस हिसाब से, और इसको हम इसी हिसाब से कट कर लेंगे। ये हमारा कट हो चुका है। अब इधर भी हम कट कर लेंगे। ये भी हो चुका है। अब इधर भी कर लेंगे। जो हमारी कली सेम बराबर है, उसी हिसाब से हम ये भी कली काट लेंगे। ये हमारी कली दूसरी वाली हो चुकी है। अब ये हमारे 4 पल्ले हो चुके हैं। इसी प्रकार से आप कटिंग
कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें, वो जो मैंने पहले ये 9 इंची सलवार में से काटा था, इसको हम आपको बता दें, इसको हम लंबाई 6 इंची ऊपर इसको भी निकाल देंगे हम, और 35 इंच पे लगा लेंगे निशान। पैंतीस और 2 इंच 37, 2 इंच हम मोहरी के लिए ले लेंगे। जो हमारे सलवार में नीचे मोहरी पड़ेगी, हम 37 इंच कर लिया है। 2-3 आप जितना भी डालना चाहें उतनी बढ़ा सकते हैं। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। इस प्रकार से आप सलवार की कटिंग कर सकते हैं। ये हमारा स्कूली सलवार की कटिंग है। इसी प्रकार से आप कटिंग कर सकते हैं। थैंक यू।